गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग वाला व्यू दिखा रही बाहर से। एक्चुअली मुझे ग्रिल के बाहर से लेना था, बट फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को कभी कभी डर लगता है सुबह सुबह, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। यूजुअली जब मैं लेती हूँ ना, मैं हाथ ग्रिल से बाहर डालती हूँ और फिर मैं कैमरा से कैप्चर करती हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मेरा घर जो है गाइस वेस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पे सनसेट दिखता है। सनराइज जो है ईस्ट में होता है, बट स्टिल लुक एट वो अपोजिट साइड में उसकी जो रेज है वो गिरती है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज द ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्यू आई एम शोइंग यू। और भी ब्यूटीफुल होता है एट टाइम्स, कभी शेयर करूंगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सोच रहे होगे आज सुबह सुबह ये क्या कर रही हूँ मैं। आज है आरव का फूड डे, उसी की तैयारी चल रही है, तो मैं उसी के लिए ट्रे बना रही हूँ फूड डे के लिए। एंड फूड भी बनेगा ऑफकोर्स। सुबह सुबह मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग उसका सेशन होता है, क्योंकि अभी से इस साल से आरव के सेशन जो है अर्ली मॉर्निंग है। तो फूड डे में हमारा टॉपिक है पाव भाजी एंड कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर के लिए मैंने कुछ जुगाड़ नहीं किया है, बिकॉज फिर मैंने सोचा अभी यहाँ पे कहाँ भागे दौड़े, तो इसीलिए पाव भाजी की सारी चीजें तो थी मेरे घर पे। तो पाव भाजी की तैयारी हो चुकी है, मेरे भी थोड़े से प्रिपरेशन होते हैं वो हो चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन है ना, इसीलिए तो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैम ने भी श्योर अभी तक बताया नहीं कि कितने बजे देना है, क्या करना है, नथिंग इज क्लियर। होगा कि नहीं ये भी नहीं पता, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड राइट। और हम फूड डे वेस्ट नहीं कर सकते। एंड हमारी फेवरेट टॉपिक है, हमारा फेवरेट डिश बनने वाला है, तो दैट्स पाव भाजी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे चीज पाव भाजी की रेसिपी है गाइस, इट्स अ फैबुलस रेसिपी गाइस, तो डू ट्राई इट, यू गोना लव इट। तो ऑलमोस्ट सेम वही रेसिपी है, बट आज मैं थोड़ी सी क्विक जल्दी बताऊंगी शॉर्टकट से, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए तो आप समझ जाओगे कि इतनी जल्दी जल्दी पाव भाजी ऐसे टाइम पे कैसे बनती है। तो कमऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम ट्रे बना लेते हैं, मुझे आदत है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा ट्रे डेकोरेट करता प्रिफर करती हूँ, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए और मुझे थंबनेल की फोटो भी मिल जाएगा। तो हम ट्रे बना रहे हैं, तो बना के रखती हूँ और फिर मैं अपने काम पे आईडेक्स मनी काम पे चलिए वाला प्रोग्राम करता हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा DIY ट्रे है, इसका एक्चुअल कलर ये है। तो ये मैंने डीमार्ट से लाया था काफी पहले, तो एक्चुअली आई यूज्ड टू लव इट, वुडन फिनिश। फिर मैंने काफी टाइम तक यूज किया, देन मुझे थोड़ा सा अतरंगी पना सूझा, तो मैंने चॉकबोर्ड पेंट से इसे ब्लैक कर दिया, बिकॉज मैं इस पे इसे कोट्स वगैरह लिखती हूँ और फिर मैं ट्रे पे चाय वाय जो भी ब्रेकफास्ट है सर्व करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसे ब्लैक कर चॉकबोर्ड से पेंट किया। एंड चॉक्स है मेरे पास, ये आरव ने, ये जो इतने सारे चॉक्स है ना, ये सब मुझे आरव ने लाके दिए स्कूल से। जब वो स्कूल जाता था तो ऐसे मैम के छोटे बच्चे अगर चॉक्स होते थे ना, तो वो जमा करके ले आता था मेरे लिए, ये वो चॉक्स है। तो अब मैं फूड डे के लिए ट्रे रेडी करती हूँ, तो आप देख ही लोगे। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फूड डे एंड द वीकेंड ब्लॉग। तो चलिए कैमरा यहाँ ले आते हैं। गर्मा गर्म चाय, चाय पी लो, चाय चाय पी लो, गुड मॉर्निंग, चाय पी लो, जाग जाओ जाग जाओ। तो अब चल रहा है प्रिपरेशन। सो यहाँ पे प्रेशर कुकर में आज मैं जल्दी जल्दी बना रही पाव भाजी, तो मैंने प्रेशर कुकर में यूजुअली तो वैसे ही हम बॉईल करते हैं सब्जियाँ, मैंने बॉईल करने रख दी है। तो मेरा मैजिक भुना मसाला भी रेडी है, तो ये थोड़ा फ्रीजर में था ना तो जमा हुआ है, तो मैंने अभी इसे बाहर निकाल के रखा है। तो जैसे कुकर ठंडा हो जाएगा मैं सब्जी को जो है दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके स्मैश कर दूंगी, तो बताती हूँ मैं आपको कैसे करूंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा भुना मसाला की रेसिपी जो है काफी वर्सेटाइल है गाइज, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो इसकी लिंक जो है गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर ट्राई करिए। तब तक प्रेशर कुकर ठंडा हो जाता है, मैं अपनी चाय पी लेती हूँ गाइज। अब मैंने ये प्रेशर कुकर खोल दिया है गाइस, और आप देख सकते हो मैंने 3 सीटी ले ली थी, तो मैंने बस कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, आलू नीचे है एंड ग्रीन पीस थोड़े से हल्के से डाल दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि ज्यादा ग्रीन पीस डाल के फिर स्मैश करो। तो ये मैंने बॉईल कर लिया है 3 सीटी, और सॉल्ट और हल्दी डाली है एकदम थोड़ी सी। अब जो है मैं इसे स्मैश कर लूंगी इसी में, और फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगी किसी और बर्तन में। एंड लुक एट दिस, ये हमारा भुना मसाला भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है ऐसी डाइस करके चॉप करके रखी है, 2 शिमला मिर्च अप्रोक्सीमेटली है मैंने मीडियम साइज की, तो इसे हम रवी कहते हैं मराठी में, तो आप इसे दही छाछ फेंट सकते हो, तो ये वो है, तो इससे भी अच्छी तरह से होता है। तो मैं दोनों ऐसे यूज करके जो है इसे स्मैश कर रही हूँ।
गाइस, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेम प्रेशर कुकर से मैंने ट्रांसफर कर दी है बॉइल वाली सब्जी, और इसी में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और थोड़ा सा बटर ऐड किया है। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप पूरा ऑयल भी ऐड कर सकते हो, पूरा बटर भी ऐड कर सकते हो, पर बटर यूजुअली जब आप डालते हो तो जल जाता है प्लेन, तो इसीलिए आप ऑयल के साथ हमेशा उसे कॉम्बिनेशन में डालिए। तो अब हम जल्दी जल्दी बनाते हैं गाइस। तो अब मैं पहले इसमें डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि मेरा सीक्रेट है गाइस, सो दैट योर पाव भाजी गेट्स अ गुड कलर। आप रेड चिली पेस्ट भी यूज कर सकते हो, पर आप जब जल्दी में बनाते हो तो दिस हैक ऑलवेज वर्क, और मैं यूजुअली कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही यूज करती हूँ। तो अब मैंने डाल दिया है, अब मैं मिक्स कर लूंगी। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने इसमें ऐड कर दिया है भुना मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के मैंने मिक्स कर लिया, और मेरा जो भुना मसाला है ये वाला वो मैंने ऐड कर दिया। अब आप कितनी पाव भाजी बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना ऐड करना है। तो गाइस नेक्स्ट अब मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे भी मैं मिक्स कर रही हूँ। ये हमारी बहुत ही क्विक पाव भाजी रेसिपी है, जो कि एग्जैक्टली सेम बनाती हूँ मैं रेगुलर में भी, बट भुना मसाला रेडी है इसीलिए एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो यही है मेरा मैजिक भुना मसाला गाइस, तो जरूर मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई करिए एक बार। तो बादशाह का ये मुंबई भाजी पाव मसाला एक आता है, और एक और बादशाह का ना इसे गोल्डन कलर का बॉक्स आता है, आई थिंक कुछ स्पेशल होता है, तो वो भी काफी अच्छा है, बट दिस इज ऑल्सो बेस्ट। तो आप जरूर अगर ये मिले ना तो यही ट्राई करिए पाव भाजी के लिए, या फिर मजीठिया, और अगर नहीं है तो एवरेस्ट तो इजीली अवेलेबल होता ही है आपके लिए। जल्दी ही मैं इंडियन मसाले जो हमारे इंडियन किचन्स में चाहिए होते हैं मस्ट हैव, जिससे फिर आपको कभी कुछ अगर रेसिपीज बनानी हो तो कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि तू क्या कैसे सब तेरे पास होता है एंड ऑल दैट, तो ऑलरेडी मैंने अपना ग्रोसरी हॉल वीडियो शेयर किया है, व्हाट्स इन माय इंडियन मंथली ग्रोसरी लिस्ट गाइस, तो आप जरूर चेक करिए वो वीडियो भी, और मैं आपके लिए जल्दी मसालों वाला वीडियो भी लेके आऊंगी, तो जिससे कि है आप हमेशा रेडी रहोगे अगर आपको कुछ भी रेसिपीज बनानी है। तो गाइस ये देखिए भुन चुका है हमारा जो भुना मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया दैट्स इट, और अब इसमें जाएगी हमारी चॉप्ड शिमला मिर्च। तो गाइस सॉरी अगर आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी में चेंज दिखेगा, ये मैं हस्बैंड के फोन से रिकॉर्ड कर रही थी। ओके सो ये मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, हम इसे थोड़ा सा गलने देंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्का सा कुक होने देंगे, एक 5 मिनट के करीब आप इसे चाहिए तो लिड लगा दीजिए, या फिर ऐसे ही 5 मिनट्स आप इसे कुक होने दीजिए, और जैसे ही कुक हो जाएगी देन हम हमारी जो स्मैश वेजिटेबल्स है ना पाव भाजी की वो इसमें डाल देंगे। ओके और हम पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और फिर इसमें हम स्मैश वेजिटेबल्स डाल देंगे हमारे। ओके सो फ्रेंड्स सॉरी मैंने फिर से गड़बड़ हो गई, कैमरा ऑफ हो गया, बट मैं अगेन ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून से ज्यादा मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है। तो अभी आप जो है पाव भाजी मसाला ऐड करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होता, वो काफी अच्छा अरोमा देगा, और वो 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप ऐसे कभी ऐड मत करिए, टेस्ट करिए और देखिए आपको कैसे टेस्ट फ्लेवर लगता है। तो जब आपको आपकी पाव भाजी का फ्लेवर सही लगता है दैट मीन्स इट्स इनफ नाउ। ओके तो मैं भर भर के डालती हूँ, मैं तो 3-4 स्पून तक टेबल स्पून के आसपास डाल देती हूँ पाव भाजी मसाला, और मेरी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है बट पाव भाजी की, बट स्टिल आप टेस्ट करके ना आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। सो गाइस ऐड कर दिया है मैंने पाव भाजी हमारी जो वेजिटेबल है स्मैश्ड, अब मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। तो गाइस जैसे अभी और कुक होगी ना तो कलर और एनहांस होगा। तो गाइस अब मैं इसमें नमक जो है एडजस्ट कर लूंगी, ऑलरेडी मैंने डाला है, काफी सही है नमक, बट स्टिल आप चेक करिए इस टाइम पे जो है आप सीजनिंग एडजस्ट कर लीजिए, यानी कि नमक एडजस्ट कर लीजिए। तो गाइस इसमें मैंने अभी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, मुझे परफेक्ट ही लग रहा था बट थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया और मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं मिक्स कर दूंगी और फिर हम इसे अभी कुक होने देंगे। तो गाइस अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है एंड अब हम इसे कुक होने देंगे एक 10 टू 15 मिनट विद द मसाला। सो गाइस ये देखिए हमारी पाव भाजी जो है रेडी है। तो मैंने बस फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके ऐड की है और थोड़ा सा बटर डाला है ऊपर से, तो बहुत फ्रेश और अच्छा फ्लेवर आएगा बटर का, इसीलिए वेरी बटरी पाव भाजी लगेगी आपकी। तो अभी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए कितना बटर डालना है आपको एंड देन सर्व इट हॉट।
सो गाइज इट्स डन, जैसे मैंने आपको बताया. और अगर आप चाहो, अगर आप चीज पाव भाजी बना रहे हो तो यू कैन ऐड सम चीज टू इट. आप मेरी ऑलरेडी चैनल पे रेसिपी चीज पाव भाजी की है, बहुत ही ऑसम वाली, विद पाव ऑल्सो, पाव की अलग से रेसिपी है. तो आप जरूर ट्राई करिए, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बट पक्का इस रेसिपी को ट्राई करिए, आई एम श्योर यू गोना लव इट. और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिए गाइज. ओके, तो मैं अभी अंदर चीज नहीं डाल रही हूँ फिलहाल, मैं ऊपर से चीज डालूंगी जब मैं सर्व करूंगी गरम गरम इसे. तो अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अंदर भी डालोगे तो फ्लेवर जो है और एनहांस होगा गाइस. सो गाइस, हमारी फूड डे के लिए पाव भाजी जो है रेडी है, चीज पाव भाजी. तो ऊपर से अरब को आज मैंने चीज ग्रेट करके डाला है, मुझे अरब को काफी पसंद है. तो दिस इज इट गाइस, हैप्पी फूड डे एट स्कूल. सो दिस इज रेडी गाइस, तो बनाइए, ट्राई करिए. मैंने जल्दी जल्दी वाली रेसिपी भी आपको बताई और एक प्रॉपर डिटेल्ड रेसिपी चीज पाव भाजी की मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जैसे मैंने आपको बताया. जरूर ट्राई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी गाइस. तो गाइस, ये आरव आपको बाइट दे रहा है पाव भाजी की, तो आप जरूर टेस्ट करके बताइए वर्चुअली कि आपको कैसी लगी. Guys, just ordered this. It has come 2 days back, पर अभी रख दिया था क्वारंटीन करके इसको, more than 48 hours now. तो ओपन कर रही हूँ. ये आरब के लिए ऑर्डर किए थे मैंने. एक्चुअली द मास्क विच वी हैव ना, हम लोग यूज करते हैं, वो उसके लिए थोड़े से बड़े हो जाते हैं. लाइक ये एवरी टाइम कम्प्लेन्स के इट स्लाइड्स डाउन. तो इसे मैंने सोचा लेट मी ऑर्डर किड्स मास्क. मेरे को वो फैब्रिक वाले नहीं पसंद, द वन विच हैज, आई विल शो यू what I've ordered for him. It came in set of 5. Yeah, set of 5 mein hai ye. And here they are. So they are N95 mask basically, and they are for kids. So these are the colors which are available in this. Abhi use nahi kiya hai, just opened. It's in set of 6 guys. Okay, so it's blue, black, it's white, here it's peachy pink and gray, and again this one is also white. Oh, this one is I think the bigger one. So it is a set of 5, and this they have given a sample mask which is a huge one. Okay, it's written here, see, it's a regular size, and these are for kids. So I've just ordered this for Aya. So I use and I'll review how they are, if they're good or not, but I'll share the link in the description box so you can check. So it's N95 Pro 95 kids protective face mask. This is the brand Promise Ka Life Care, I guess. Promise of Care, that says. So this is it, guys. So guys, they are nicely packed. Actually, they are properly sealed. It's completely packaged packing. And this is the mask. It's kid size. See, it's a nice one, I guess. So it's for kids and it's nice. Quality is also nice. It seems nice. Let me use it and then I'll review it for you guys. Okay. तो गाइज, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. और प्लीज शेयर भी करिए. तो मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. Until then, मॉमी जे साइनिंग ऑफ. बाय बाय.